जी इंटरनेशनल आज देहरादून से हैं, देहरादून में हैं और देहरादून में हमने बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन देख रहे हैं, उसके बारे में अभी आपको इनके जानकारी। सर आपने एग्जीबिशन लगा रखा है, इसके बारे में कुछ बताने का आप? जयन जी हमारे मॉरिशस से वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे में वो प्रतिनिधि वहाँ के भी हैं, आर्ट के वहाँ के हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, कई देशों में आपकी प्रदर्शनी लगी है और इन्होंने भारतीय संस्कृति और विशेषकर यहाँ पर जो देवभूमि है उससे संबंधित चित्रकला ये पेंटिंग्स बनाई जो यहीं आधारशिला फाउंडेशन और आधारशिला पत्रिका के भवन में बैठ के इन्होंने पिछले 10-15 दिनों से ये चित्रकला विशेषकर इस प्रदर्शनी को भी बनाई जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को समर्पित कार्यक्रम है। जयन जी अपनी चित्रकला के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पर मैंने ये कुछ क्यूबिज्म ज्योमेट्रिकल शेप्स के प्रयोग किए हैं और इसमें टेक्सचर पर ज़्यादा ध्यान दिया हूँ और इसमें ये बहुत तरह की चीज़ें के एप्लीकेशन किए गए हैं, इसमें रेत इत्यादि का चिपकाया गया है और कलर पर भी ध्यान दिए हैं। आज के दुनिया के मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कैसे आजकल स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में मोबाइल लेकर अपने आप में उलझे रहते हैं और ये है इस पर देखते हैं सच्चाई की जीत, जीत के टाइटल है जिसको आँखें हमें आँखें पर खोल कर रखना चाहिए, अच्छी तरह से कहीं पर ध्यान देना चाहिए, आँखें खोली हो तभी हम अपनी जीत पा सकते हैं। इधर त्यौहार है, मैं यहाँ की संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हुआ और यह जो पेंटिंग मैंने 15 ही दिन में किए, इतने सारे पेंटिंग्स 15 दिन में किए, तरह तरह के यहीं से जो विचार पाए मैंने अपने पृष्ठ पर ये डाल दिया, उसमें एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पर ये चित्र है, इसमें दूसरे प्रकार के टेक्सचर्स हैं और ये यही ज्योमेट्रिकल शेप्स पर ध्यान दिए हैं, इसमें और कुछ का प्रयोग किया गया है, रंग पर भी विशेष रंगों की सभी रंगों की विशेष महत्वता है इसमें। यह भी ओके यहाँ पर के देखते हैं भी जो हमारे धर्म के ओके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसमें भी प्रकार ओंकों पर ज़्यादा एक्सप्रेशंस पेश किया हूँ, इसलिए गणेश जी को इस कल्चर को वहाँ पर आइए सुंदर है। यहाँ देखिए मैंने इसमें अखबार के टुकड़े भी चिपकाए हैं और अखबार के टुकड़े ऐसे ही नहीं चिपकाया हूँ, इसे शिक्षा के रूप देखेंगे शिक्षा और ये सिलेक्ट करना पड़ता है हमें क्या चिपकाना हो। यहाँ देखिए जिंदगी से कितनी हमारे जो म्यूजिक है हमारी जो कितनी शांति मन को पहुँचाती है, ये जिंदगी से जोड़ा हुआ होता है तरह तरह की इसे ये सिर्फ दूर से देखेंगे तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, दूर से देखते हैं तो कला और इस कला जो चित्र ये हैं इस आप भी इनमें कई तरह के विचार पा सकते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट तक आप सीमित नहीं हैं और आप भी अपनी बहुत कुछ इसमें देख पाएंगे, बहुत विचार आप लोगों को प्राप्त होंगे। यहाँ पर मैंने खास करके एक्स मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के यानी कि स्मृति को समर्पित कर रहा हूँ यह चित्र, इसी अवसर पर मुझे प्राप्त हुआ कि कुछ न कुछ बना दें आपके देश में आकर। यह तो देश हमारे पूर्वज के हैं, हमारे बाप दादे हमारे दादे खास करके दादे सभी लोग यहीं से निकल कर आए हुए हैं। और आप अपना ईमेल नंबर या कोई नंबर जिसमें हमारे व्यूवर्स आपको बाद में आपको कांटेक्ट कर सकें तो कोई ऐसा हो तो बताइए। मेरा एक
यहाँ पर लिखा गया नाम। और मैंने दो पुस्तकें भी निकाली है, ये देखेंगे ये लिखी गई है उस पर, उसके जिंदगी पर। हाँ, इसमें 90 से ज्यादा पृष्ठ है। कैसे हमारे दादे लोग जो वहाँ हमारे प्रवास भारती गए जो 1836 में, और उससे लेकर तब तक उन्होंने किस तरह से उस द्वीप को आबाद किया और वहाँ किस तरह से खेती बाड़ी की और कैसे जीवन यापन किया और किन संघर्षों में उन्होंने पूरा अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस पर केंद्रित किए हैं। क्योंकि मॉरिशस तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के अधीन रहा और फिर भारतीय इस समय वहाँ शासन कर रहे हैं और वह एक लघु भारत है मॉरिशस। धन्यवाद। कुछ आप भारत के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं मॉरिशस, आप इतने उसमें? उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि एक मैं मधुबनी टेक्निक पर भी काम किया हूँ, एक पूरा पुस्तक किताब है इस पर, दो दो को लेकर मैं विभिन्न दिशाओं में इसको बताया है। मैं भारत से प्रभावित बहुत हुआ हूँ क्योंकि हमारी बाप दादी इसी के इस ज़मीन से, हमारी धरती माँ जो है इस हमको इससे अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो जाति, हमारा जो जो सभ्यता है, सब इसी से जुड़े हुए हैं। हम भाषा भी इसी से जुड़े हुए हैं, इस भाषा से इसी को संभाल कर हम रखे हुए हैं इसको हमें। और यहाँ के जनता से, यहाँ के सभी भारतीयों को मैं कहूँगा कि आप लोग अपने आँखें खोलकर, जैसे मैंने अपने चित्रों में संदेश दिए हैं, उसी पर आप अमल करें और तभी आप लोग सफलता पा सकेंगे। धन्यवाद जी। हम इनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे वो हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर दिवाकर भट्ट, मैं आधारशिला पत्रिका का चीफ एडिटर हूँ और राइटर हूँ। पत्रकारिता में भी पिछले 35 सालों से मैंने यहाँ अमर उजाला और दैनिक जागरण वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। धन्यवाद सर।